कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि आपका पबजी का अकाउंट बैन हो गया होगा। क्योंकि आपका जो पबजी का अकाउंट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी किसी का अकाउंट तो बहुत ही बड़े लेवल का होता है, किसी का छोटा होता है तो उसको इतना दुख नहीं होता है। जिसका अकाउंट बहुत बड़ा होता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, इस चीज को मैं समझ सकता हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, दो तरीके से आपके इसमें सॉल्यूशन है। सबसे पहला आपका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि सबसे पहले आपका जिस रीजन से ये बैन हुआ है उस रीजन को आपको सबसे पहले खत्म करना है। इसमें खत्म करने के लिए क्या है, जैसे आपने मान लो कोई इम्युलेटर डाला होगा अभी रिसेंटली जिसकी वजह से बैन हो गया है, तो सबसे पहले आपको उस इम्युलेटर में से उस पबजी आईडी को हटा देना है, ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि आपने कोई भी रीजन जो लेटेस्ट किया होगा एक्टिविटी जिसकी वजह से बैन हुआ है उसको सबसे पहले हटा दो। जो तीसरा जो काम करना है आपको वो क्या करना है, आपको करना है पबजी को कॉन्टेक्ट। अब पबजी को कॉन्टेक्ट करने के तीन तरीके हैं, आपको तीनों के तीनों जल्द से जल्द आपको करने हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, पबजी को कॉन्टेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये टेक्स्ट होना चाहिए लिखा हुआ। ये टेक्स्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी कर लेना। इस टेक्स्ट में क्या क्या है, इस टेक्स्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि आपके अकाउंट की यूजर आईडी होना आपके पास बहुत जरूरी है। ये मैंने ऐसे ही डाल रखा है, ये मेरी यूजर आईडी नहीं है। साथ ही दोस्तों आपकी गेम आईडी भी होना बहुत जरूरी है, ये आपकी गेम की आईडी है, ये भी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूंगा ये दोनों चीज आपको कहां से मिलेंगी। ये आपका है ईमेल एड्रेस है, ये भी आपको देना पड़ेगा उनको, और ये आपका निकनेम है जो आपके गेम के अंदर नाम है। साथ ही आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और ये ईमेल एड्रेस है जहां पे आपको कॉन्टेक्ट करना है। ये तो है एक तरीका। अब आप पूछ रहे होगे कि आपको ये आईडी कहां से मिलेगी, जो यूजर आईडी है ये आपको कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये यूजर आईडी कैसे मिलेगी। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है फेसबुक पर, सेटिंग्स में जाना है आपको अपनी फेसबुक की। जब आप अपनी फेसबुक की सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन आ रहे हैं। इन सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको मिलेगा एप्स एंड वेबसाइट्स। जब आप एप्स और वेबसाइट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी पबजी मोबाइल, ठीक है। दूसरा जो आपको क्या काम करना है, इसमें आपके हो सकता है आपने कोई और गेम भी चला रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, व्यू और एडिट पे जाना है। जब आप व्यू और एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी मिल जाएगी। ये देखिए आपको यूजर आईडी मिल गई है। तो आपको इस यूजर आईडी को क्या करना है, कॉपी कर लेना है और इस वर्ड में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आप कहोगे आपको एक गेम आईडी कहाँ से मिलेगी, तो ये गेम आईडी आपको मिलेगी आपकी प्रोफाइल से। जब आप अपने यूजर की प्रोफाइल पे जाओगे, गेम की प्रोफाइल पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको अपनी गेम की आईडी दिख जाएगी। तो ये आपको अपनी गेम की आईडी डाल देना है। अगर किसी वजह से आपकी गेम की आईडी आपको नहीं दिख रही है तो आप गेम की आईडी छोड़ देना, सिर्फ आप अपनी यूजर आईडी डाल देना, इसी से वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है आपका ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आप अपना डाल सकते हो। चौथी चीज़ आपको पता ही होगी, आपकी गेम का नाम। तो ये आपके गेम का नाम होता है, जैसे पांडा या कोई और नाम आपका होगा तो वो आप अपना यहाँ पे अपना गेम का नाम डाल देना, यहाँ पे अपना अपना नाम डाल देना है। फिर आपको करना क्या है, आपको ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। इसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट जो है ये छोड़ देना, सब्जेक्ट वाला पार्ट आपको मैं बता देता हूँ आपको डालना कहाँ पर है। आपको अपने ईमेल एड्रेस पे जाना है। जब आप अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करोगे तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देना जिनको आपको कॉन्टेक्ट करना है, वो भी मैंने आपको इसके अंदर यहाँ पर लिख कर दे दी है। यहाँ से आप कॉपी कर लेना और आप इसमें डाल देना। ये तो आ गया आपका ईमेल। यहाँ पे आपको डालना है सब्जेक्ट, ये वाली लाइन आपको यहाँ पर डालनी है, पबजी लॉगिन आईडी प्रॉब्लम प्लीज हेल्प मी। या आपको जो अच्छा लगे वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। दो तीसरा काम आपको करना है वो ये है कि इसको आपको पूरे पैराग्राफ को कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, डियर सर मैम, ये वाला पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पे अपने पेस्ट कर देना है। इसमें लास्ट में आपको अपना यहाँ पर नाम लिख देना है। जब आप इसमें अपना नाम लिख दोगे तो आपको क्या करना है, इसको सेंड कर देना है। तो ये ईमेल एड्रेस, ये जो ईमेल है ये आपका चला जाएगा पबजी के पास में, वो आपको जल्द से जल्द फिर कॉन्टेक्ट करेंगे। अब ये तो रहा एक तरीका। दूसरा जो तरीका है वो आपको कॉन्टेक्ट कैसे करना है, वो आपको कॉन्टेक्ट करना है यहाँ पे आपको लिखना है गूगल पे पबजी ईमेल कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐसे लिख दोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पबजी कॉरपोरेशन सपोर्ट पबजी मोबाइल डॉट हेल्प सिफ डॉट कॉम। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये विंडो आपकी खुल जाएगी। ये देखिए मेरी खुली हुई है। तो यहाँ पे जब आपकी ये विंडो खुल जाएगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है अपनी ईमेल एड्रेस, आपको अपना निकनेम जो भी आपका नाम था वो लिख देना है यहाँ पर, जैसे मेरा ये था। आपका प्लेटफॉर्म आपको चूज कर लेना है एंड्रॉयड। यहाँ पे आपको इशू सिलेक्ट कर लेना है, आपका इशू क्या था, अकाउंट आपका बैन हो गया है, रिपोर्ट हो गया है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको ये वाला अपना पूरा पैराग्राफ आपको लिख देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए
ये देखिए हमने पूरा का पूरा इसमें लिख दिया है। साथ ही आपको क्या करना है, एक फाइल अटैच करनी है। कौन सी फाइल अटैच करनी है, जो आपने यहाँ पे सेव कर रखी होगी। कौन सी वाली आईडी है वो है हमारी ये वाली, जो आपका एरर आ रहा है, ये आपका एरर आ रहा है, तो ये वाली फाइल आपको अटैच कर देनी। जब आप इसमें अटैच कर दोगे तो यहाँ पे आपको अपना ये टेक्स्ट वाला जो पार्ट है 3K 4Y और N, ये टेक्स्ट आपको लिख के यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये आपका वहां पर चला जाएगा। तो ये तो हो गए आपके दो तरीके पबजी को कॉन्टेक्ट करने के। जो तीसरा तरीका है वो ये है कि जब आप अपने पबजी आईडी को लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको सेटिंग्स दिखाई देंगी। जब आप उन सेटिंग्स में जाओगे तो वहां पे आपको बेसिक का ऑप्शन दिखाई देगा। जब उस बेसिक पे जाओगे तो यहां पर आपको कस्टमर सर्विस का ऑप्शन जो लिखा हुआ आ रहा है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो खुल के सामने आ जाएगी। क्योंकि मुझे अभी आ नहीं रही है, क्योंकि अभी मेरे पास पबजी इस टाइम नहीं है, इस सिस्टम से मैंने पबजी को हटा दिया है। तो इस जब आप यहाँ पे खुल जाएगी तो आपको क्या करना है, सेम दोबारा ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कॉपी करके वहां पे आपको पेस्ट कर देना है। जब आप यहाँ पर अपना ये वाला पार्ट पेस्ट कर दोगे तो आपको क्या होगा, वहां से रिप्लाई आएगा। हो सकता है आपका तुरंत के तुरंत आपका अकाउंट जल्द से जल्द एक्टिवेट हो जाए, या फिर आपका हो सकता है थोड़ा टाइम ले, या फिर हो सकता है 24 घंटे बाद हो जाए, लेकिन आपको रिप्लाई 100% आएगा। मेरे को रिप्लाई आ चुका है, उन्होंने बोला है कि हमें थोड़ा टाइम और दीजिए, आपका अकाउंट जल्द से जल्द हम रिकवर करेंगे। हाँ दोस्तों, ये तो थे हमारे 3-4 तरीके जिनसे आप पबजी को कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपने अकाउंट को जल्द से जल्द अपने अकाउंट को आप एक्टिवेट करा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। बाकी अगर कुछ टॉपिक रह गया है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके, मुझे कमेंट करके आप अपनी कमेंट मुझे बता सकते हो। अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो सकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना प्लीज़। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।